किसी के सामने दुख रोने से कोई मतलब भी नहीं है, कोई हमारे दुख मिटाता भी नहीं। आपसे भी निवेदन है मेरा कि घर परिवार में आपको दुख मिले, कभी कभी ऐसे मन भारी हो जाए, मन रोने को करे, तो आपसे निवेदन है कि पड़ोसी के घर जाके जीवन में कभी मत रोना और रिश्तेदारों के सामने कभी मत रोना, क्योंकि ये पड़ोसी ये रिश्तेदार तुम्हारे रोने पर तुम्हारे दुख दूर नहीं करते हैं, बल्कि तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं समझा करते हैं। यदि रोने का मन करे तो किसी इंसान के सामने नहीं, एकांत में मंदिर में जाना और भगवान की प्रतिमा के सामने आंसू बहा देना। और मंदिर में एकांत ना मिले तो एक बात स्मरण में रखना कि घर के दरवाजे बंद करना, अरे किसी पत्थर की दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना, लेकिन जीते जागते इंसान की तरफ कभी आंसू रोना पड़ता, कभी कभी आंसू भी बहाना पड़ते हैं, क्योंकि आंसू बहा लो तो कहते हैं कि दुख हल्का हो जाता है, नहीं तो भीतर ही भरा रहता है, छाती भरी रहती है, और महिलाओं को तो कंट्रोल होती नहीं, क्या करें, आंसू ढुलक ही आते हैं। आपसे निवेदन है दीवार की तरफ मुंह कर लेना और रो लेना जी भर के। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि दीवार तुम्हारे दुख तो नहीं मिटाएगी, लेकिन वो पत्थर की दीवार तुम्हारा मजाक भी नहीं बनाएगी। ध्यान रखिए, दुनिया के सामने आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। अगर हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, और अगर रोगे तो भी रो हंस देगी। तुम्हारे आंसू पे भी दुनिया हंसती है, तुम्हारे हंसने पर भी दुनिया हंसती है, इसलिए आंसू को व्यर्थ इस दुनिया के सामने, अंधों के आगे रोए सो अपने नैना खोए। कोई दुनिया के पीर को हरने वाला दुनिया में नहीं है, एक प्रभु है। रोने का मन करे भगवान का नाम लेके रो लेना। रोगी तो तुम जरूर, ये तो पक्का है, मैं कितना भी कसम दे दूं तुम सुधरने वाली तो हो नहीं, रोना तो तुम्हें है, लेकिन हर किसी के सामने मत, वरना इन आंसुओं की कीमत नहीं रहेगी। और जो बार बार रोता है ना, उसका कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, कभी कभी जीवन में आंसू आ जाए तो पूरा घर चिंतित हो जाता है, और जिसके हर 5 मिनट में आंसू आए तो लोग सोचते इसकी तो मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही ये हो, क्या करे, भगवान ने चेहरा ऐसा बना रखा है। ध्यान रखो, हमेशा खुश रहो, रोने से कुछ नहीं।